पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारती ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान निजी व सरकारी सतह पर तिजारत जोर शोर से जारी है। तिजारती अमल को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीन के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के RMB क्लियरिंग बैंक का इफ्तिताह किया गया। ये बैंक चीनी करेंसी के लेन देन, क्लियरिंग और अदायगियों की सेटलमेंट से मुतल्लिक खिदमात पेश करेगा और पाकिस्तान में शरीक बैंकों के लिए चीनी करेंसी युआन की खरीदो फरोख्त, युआन में कर्ज लेने या कर्ज देने में सहूलत फराहम करेगा। बैंक के क्याम से पाकिस्तानी और चीनी कारोबारी शख्सियात और मालियाती इदारों को लेन देन तय करने और दोनों ममालिक की मालियाती जरूरियात को पूरा करने में सहूलत मिलेगी। स्टेट बैंक के सीनियर ऑफिसर ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाली तिजारत डॉलर में हुआ करती है। चीन का ICBC बैंक पहले से पाकिस्तान में मौजूद है और अब इस बैंक ने चीनी करेंसी RMB में कारोबार करने में सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान में क्लियरिंग बैंक का क्याम किया है। अब पाकिस्तानी कोई भी कारोबार चीन के साथ कर रहे होंगे तो इन्हें रकम की अदायगी डॉलर में करने की पाबंदी नहीं होगी। अब चीनी करेंसी RMB में भी अदायगियों को कबूल किया जाएगा। स्टेट बैंक की अफसर ने बताया कि इससे पहले डॉलर पर बोझ में भी कमी आएगी। पहले किसी भी अदायगी के लिए डॉलर खरीदना लाजमी था, जिससे अमरीकी करेंसी की कदर मार्केट में और भी ऊपर चली जाती थी। अब अदायगी करने वालों के पास सहूलत होगी कि वो डॉलर की जगह चीनी करेंसी MRB में अदायगी करें। दुनिया भर में डॉलर की कदर बढ़ने से तमाम ममालिक को माशी मुश्किल का सामना है। बाज ममालिक की तरह चीन ने भी अपनी करेंसी युआन को मजबूत करने और डॉलर को कमज़ोर करने के लिए कोशिशों का आगाज किया है। चीन के मुतअद्दिद ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं और अब चीन इन ममालिक के साथ डॉलर की जगह अपनी करेंसी युआन में तिजारत करने पर गौर कर रहा है। इस ज़िमन में चीन ने अब पाकिस्तान समेत 4 ममालिक में अपने क्लियरिंग बैंकों का क़याम मुकम्मल कर लिया है।